नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव अगले महीने से शुरू हो जाएगा। इस लोकतंत्र में आपको जो वोट डालने का अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद क्या पता आपको वोट डालने को मिले न मिले। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है। ये इस देश का आखिरी चुनाव है, इसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। और ये भविष्यवाणी किसी आम इंसान ने नहीं, भगवाधारी सन्यासी और हरिप्रिय साक्षी महाराज ने की है। कमाल की बात यह है कि साक्षी महाराज विपक्ष के नेता नहीं है, ये उसी दल के नेता है जिनकी फिलहाल सत्ता है। अब चुनाव होने वाला है तो देश का चुनाव होने वाला है। पहले बार देश में जागृति आई है, किंतु जग गया है, लोग जग गए हैं। और मुझे लगता है इस चुनाव के बाद मैं सन्यासी हूँ, मन में जो आता कह देता हूँ, अनुभव करता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा, अनुभव करता हूँ। इस चुनाव के बाद 2024 में चुनाव नहीं होगा। तो आपने सुन लिया, साक्षी महाराज बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये वाला चुनाव मोदी जी को जितवा दो, अगले बार से जिताने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव ही नहीं होंगे, ये आखिरी चुनाव है। तो क्या साक्षी महाराज ने जो बीजेपी की मंशा है उसको अपने कार्यकर्ताओं के बीच रखा है? तो क्या बीजेपी का प्लान 2019 के बाद देश को तानाशाही की ओर ले जाने का है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष ऐसी बातें 2014 के बाद से ही कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत ने भी बीकानेर की रैली में कहा था कि ये चुनाव अगर मोदी जी जीत गए तो फिर इस देश में कभी चुनाव नहीं होंगे। विपक्ष के कई नेता और वामपंथी संगठनों के कई कार्यकर्ता इस पर अपना मत जाहिर कर चुके हैं। केजरीवाल ने भी साक्षी महाराज के बयान के बाद तुरंत ट्वीट करके अपना डर जाहिर कर दिया। हालांकि बड़बोले साक्षी महाराज को जब तक अपने बोलने का एहसास होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब वो अपने बयान से पलट चुके हैं, लेकिन उनके जुबान से निकली इस बात ने विपक्ष को जनता के दिलो दिमाग में डर पैदा करने का एक हथियार जरूर दे दिया है। वैसे बताया जा रहा है कि जिस साक्षी महाराज ने बयान दिया है उनको खुद चुनाव में खड़े होने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब बारी आपकी, आपको क्या लगता है? एक सदी पूरी होने को आए विश्व के सबसे बड़े और सबसे अच्छे लोकतंत्र में क्या ये इतना आसान है, या फिर साक्षी महाराज का ये बड़बोलापन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी राजनीतिक जगत से जुड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपके मोबाइल पर आपको तुरंत मिलते रहे। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।